काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर कोई भी उस्तादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। 24 दिसंबर 1999 का दिन, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। विमान में कुल मिलाकर 180 लोग सवार होते हैं और क्रू मेंबर्स भी उन्हीं के साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लाइट शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होती है, तभी बंदूकधारी आतंकवादी विमान का अपहरण कर लेते हैं और विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई से होते हुए कंधार अफगानिस्तान ले जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय एयरलाइंस के विमान IC 814 की, जिसे 5 बंदूकधारी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। हालांकि कंधार ले जाने से पहले विमान को दुबई में उतारा गया और यहाँ पर 176 यात्रियों में से 27 यात्रियों को उतार दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और इन्हीं में एक रुपेन कात्याल नाम का एक व्यक्ति भी था, जिसे घायल अवस्था में उतारा गया क्योंकि आतंकवादियों ने उसको प्लेन में ही चाकू से गोदकर घायल कर दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई। और इसकी सूचना जैसे ही भारत सरकार को मिली, उन्होंने आतंकवादियों से वार्ता शुरू कर दी। क्या थी आतंकवादियों की मांग, आइए हम आपको बताते हैं। हालांकि आतंकवादियों ने भारत सरकार से ये मांग रखी कि भारतीय जेल में बंद 35 उग्रवादियों को रिहा किया जाए और साथ ही उन्हें 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएं, लेकिन भारतीय सरकार को ये नामंजूर था। फिर भी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने सरकार के साथ वार्ता शुरू की, आतंकवादियों के साथ सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन वार्ता विफल रही और ये विमान अपहरण 8 दिनों तक चला। इस अपहरण कांड में अफगानिस्तान के जो तालिबान एक आतंकी संगठन है, उसका बहुत अहम भूमिका है, उसकी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि तालिबान तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाना पहचाना जाता था, लेकिन उसने इसी कांड को अपने एक अंतर्राष्ट्रीय, एक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय फेम देने की कोशिश की। किस तरह से, आइए बताते हैं। क्योंकि तालिबान था, जो तालिबान भारतीय सरकार के अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच मध्यस्थता बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, और तालिबान ने हालांकि वहां के जिनों अपहरणकर्ताओं को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान की धरती पर कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, 7 दिन की जद्दोजहद लगातार चली, तालिबान और भारतीय सरकार के जो अधिकारी थे वे अपहरणकर्ताओं से वार्ता करने में लगे हुए थे और आतंकी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लोगों की सांसें अटकी हुई थी क्योंकि उस विमान में ज़्यादातर भारतीय नागरिक थे। हालांकि 7 दिन के बाद 31 दिसंबर 1999 में भारतीय सरकार ने आतंकियों की मांग मानी। हालांकि आतंकियों ने भी अपनी कुछ मांगें हटाई, जिसमें वह 35 उग्रवादियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे, वो उस मांग से पीछे हट गए और उन्होंने पैसों की मांग भी अपनी पीछे हटा ली और उन्होंने क्या मांगा, 3 कुख्यात आतंकियों की रिहाई। 7 दिन की चली जद्दोजहद के बाद आतंकियों और भारतीय सरकार के बीच समझौता हुआ और भारतीय सरकार 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा करने के लिए मान गई। और उस समय के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 आतंकियों को लेकर कंधार रवाना हुए। और ये 3 आतंकी थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख उमर अहमद सईद। हालांकि ये 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा करने के बाद ही कंधार से अपहरणकर्ता कंधार विमान से उतरे और वहां के यात्रियों को विमान से मुक्त करवाया गया।
ये रिहा किए गए तीन आतंकी कौन थे, आइए हम आपको बताते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया और ये संगठन तब सुर्खियों में आया जब भारतीय संसद पर 2001 में हमला हुआ। दूसरा आतंकी था अहमद उमर सईद शेख और ये अहमद उमर सईद शेख साल 1994 में सुर्खियों में आया था जब इसने पश्चिमी पर्यटकों को अपहरण कर उनकी हत्या करनी शुरू कर दी थी और ये डैनियल पर्ल की हत्या में इसका बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि जो 9/11 का हमला था उसमें भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसके बाद आता है अहमद जरगर। अहमद जरगर ने पीओके में यानी कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाए हुए कश्मीर में आतंकियों को भारत के खिलाफ प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। भारतीय विमान संख्या IC-814 को हाईजैक करने वाले आतंकियों को बाद में भारतीय सरकार ने पहचान लिया और हैरान करने वाली ये बात है कि ये पांचों आतंकी पाकिस्तानी थे और इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सन्नी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शकीर। और ये पांचों के पांचों पाकिस्तान के रहने वाले थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए खुलासा न्यूज़।